नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस बनाऊं, और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन लेकर आई हूँ, ग्राउंडिंग मेडिटेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्राउंडिंग, ये हम मेडिटेशन अपनी कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए करते हैं, अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा एनर्जीज होती हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होती हैं, अनसर्विंग होती हैं, तो ये मेडिटेशन उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करता है। ठीक है, यदि एक्सेस में एनर्जीज होती हैं तो उसको भी कम्प्लीटली बैलेंस करता है, और साथ ही साथ मदर अर्थ और फादर स्काई के साथ, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल होता है, हमारी बैलेंसिंग होती है, हमारा संतुलन होता है। इसके साथ साथ ही ये मेडिटेशन और भी कई काम करता है, कई जो ब्लॉकेज रिमूव होते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, कई स्तर पे जाके जो है वो हमारी क्लेंजिंग होती है, हमारी शुद्धि होती है, और डिवाइन एनर्जीज, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनसे हम ऊर्जान्वित होते हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशन ना केवल हमारी एनर्जीज, एक्सेस एनर्जीज को हमारी बॉडी से निकालता है, बल्कि पूरी तरह से हमारी बैलेंसिंग करता है, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो है हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है, तो ये यूनिवर्स का, ये प्रकृति का एक नियम है कि वो कभी भी किसी स्थान को खाली नहीं छोड़ती है, रिक्त नहीं छोड़ती है, कहीं वैक्यूम नहीं होता है। ये आप खुद जानते हैं कि खाली स्थान में कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एयर होती है, हमेशा हवा भरी रहती है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी से जहाँ जहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, जहाँ जहाँ की भी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिवाइन एनर्जी, परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, वो तुरंत वहाँ पर आके फिल हो जाती है, और हमारी बॉडी की कंप्लीट हीलिंग भी होती है। ठीक है, अब ये करने के बाद ही आपको इसके बेनिफिट होंगे। कोशिश करें कि हफ्ते में दो बार तो करें, और ख़ास बात ये है कि जब आप इसे करना शुरू करेंगे, और अगर आपने इसको 21 डेज तक कंटिन्यू किया, तो आप अपने खुद के नेचर के अंदर, आप खुद की एनर्जीज़ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन को करते वक्त ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को कम्प्लीट कराया है। तो बिना देर किए लेट स्टार्ट, हम इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये मेडिटेशन जो है वो 20 मिनट्स का है। कोई भी स्थान आप चूज़ कर ले जहाँ पर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप आराम से लेट सकें। अगर आप लेटना चाहें तो आप इसको लेट कर कर सकते हैं, आप इसे चेयर पर करना चाहें तो आप इसे चेयर पर भी कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए कभी भी इस मेडिटेशन को ना करें, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है ना। तो बेटर है कि हम इसे लेट कर या बैठ कर करें, और कोई डिस्टर्ब हमें ना करे उतनी देर के लिए। और वहाँ की जो लाइट है उसे आप डिम कर दीजिएगा। अगर दिन में आप इस मेडिटेशन को कर रहे हैं तो कर्टेंस लगा लीजिएगा अपने खिड़की पर, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन के साथ इस भाव में उतर सकें, ग्राउंडिंग के। तो आई होप कि आप सभी को इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी का मंगल हो। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। किस तरह से श्वास हमारे शरीर के भीतर आ रही है, और किस प्रकार धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित। जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे हम और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, और अपने भीतर गहराई में उतरते जा रहे हैं। अपने शरीर को भी पूरी तरह से हम एकदम ढीला छोड़ेंगे, अपने सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, अपने चेहरे को
बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अपने हाथों को, अपने चेस्ट को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अपने पेट को, अपनी कमर को एकदम ढीला छोड़ेंगे। अपनी बैक को, अपने जेनिटल्स को, हिप्स, थाइस, अपने घुटने पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे। अपनी काफ मसल्स को, पिंडलियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे। अपने एंकल को, अपने पैरों को, तलवों को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे। सिर से लेकर पैर तक अपने आप को इस प्रकार से ढीला रखेंगे जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में पूरे सुकून से लेटता है, ठीक वैसे ही अपने आप को परमात्मा की गोद में पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। अब मैं 0 से लेकर 10 तक काउंट करूंगी और आप एक एक श्वास से अपने केंद्र में प्रवेश करेंगे और 10 की गिनती पूरी होने तक हम पूरी तरह से अपने केंद्र पर होंगे और अपना पूरा ध्यान 10 की गिनती आने तक अपनी नाभि पर लेकर जाइए। 0, 1, 2, 3 अपनी श्वास को अपने हृदय तक लेकर आइए। श्वास लीजिए और हृदय के ऊपर छोड़िए। फोर, फाइव, सिक्स अपनी श्वास को और गहरे में उतारिए और गहरे में। 7, 8, 9 अपनी श्वास को अपनी नाभि तक लेकर आइए एंड 10 पूरा ध्यान अपनी नाभि के ऊपर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए नाभि को, नाभि के स्पंदन को, ऐसे भाव कीजिए, ऐसा इंटेंशन कीजिए कि जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में एक गर्भनाल अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी नाभि से एक कॉर्ड, एक नाल, एक पाइप नीचे धरती की ओर प्रवेश कर रहा है। नाभि से निकलकर सीधे धरती की ओर धीरे 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 ये पाइप धरती के और भीतर प्रवेश कर रहा है। और भीतर प्रवेश करते हुए नाभि तक पहुंच गया है, धरती की नाभि तक। जी हाँ, धरती की नाभि मतलब धरती का केंद्र। हमारे केंद्र से धरती के केंद्र तक ये पाइप पहुंच गई है, ये गर्भनाल पहुंच गई है और वहीं पर जाकर ये स्टिक हो गई है, चिपक गई है। हम हमारे भीतर धरती माँ से प्रार्थना करेंगे,
हे धरती माँ, हे मदर अर्थ, हमारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारे नकारात्मक कॉर्ड्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारे नेगेटिव बिलीव्स को, हर प्रकार के नकारात्मक ब्लॉकेजेस को, जो किसी भी प्रकार से हमारी उन्नति में बाधा है, आप उन्हें पूरी तरह से खींच लीजिए। सारी नकारात्मक ऊर्जा को इस कॉर्ड के माध्यम से खींच लीजिए और उसे रूपांतरित कर दीजिए परमात्मा की रोशनी में। अब हम प्रार्थना करेंगे स्काई फादर यानी कि परमपिता से। हे परमात्मा, हमारे ऊपर अपने दिव्य प्रकाश को प्रवाहित कीजिए और सारी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर ट्रांसम्यूट कीजिए, रूपांतरित कीजिए अपनी रोशनी में। अब ऐसे भाव कीजिए कि सिर के ऊपर दिव्य चमकदार सफेद रंग की दूधिया रोशनी प्रवाहित हो रही है पूरे सिर के ऊपर। सफेद रोशनी प्रकाशित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे प्रवाहित हो रही है, सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के रूप में, काले कीचड़ के रूप में धीरे 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 गर्भनाल से होती हुई धरती के अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत तीव्रता से, जैसे नीचे कोई पंप लगा हो, कोई मशीन हो जो कि सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे खींच रही है। धीरे 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 ये सफ़ेद रोशनी परमात्मा का दिव्य प्रकाश पूरे चेहरे पर आ गया है और जैसे जैसे चेहरे पर आया है, पूरे चेहरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे 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 और नीचे की ओर जाती हुई अपनी नाभि से धरती में समाहित हो रही है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश अब पूरे सिर पर पीछे की ओर गर्दन तक आ गया है। कान, गर्दन, कंधे पूरी तरह से परमात्मा के प्रकाश से भर गए हैं और जहाँ जहाँ तक ये दिव्य सफ़ेद प्रकाश है, वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा सब पूरी तरह से परमात्मा की रोशनी में रूपांतरित हो रही है। धरती माँ उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को नीचे की ओर तेजी से खींच रही है और ऊपर का पूरा अंग दिव्यता से प्रकाशित हो रहा है। धीरे 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 ये दिव्य सफेद प्रकाश हमारे हाथों पर आ रहा है, हमारे चेस्ट पर आ रहा है। धीरे 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 ये प्रकाश हमारे हाथों तक फैल गया है, हाथों की उंगलियों तक आ गया है। धीरे 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 ये प्रकाश हमारी नाभि तक आ गया है और नाभि से ऊपर तक का पूरा हिस्सा दिव्य सफ़ेद रोशनी में प्रकाशित हो रहा है और सारी नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के रूप में, कीचड़ के रूप में गर्भनाल से होती हुई नीचे धरती माँ खींच रही है। परमात्मा का सफ़ेद दिव्य प्रकाश अब हमारी कमर तक आ गया है, हिप्स तक आ रहा है, हमारे जेनाइटल्स तक आ रहा है, हमारी जांघों तक आ रहा है। किसी भी प्रकार की ब्लॉक्ड एनर्जी, किसी भी प्रकार के वो भाव जो हमने कभी भी हमारे भीतर दबाए हो, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारे ब्लॉकेजेस सब धरती माँ इस गर्भनाल के माध्यम से नीचे खींच रही है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रही है। और हम हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक ब्लॉकेजेस से
बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये परमात्मा का सफेद दिव्य प्रकाश हमारे घुटनों तक आ गया है, घुटनों से और नीचे हमारी पिंडलियों तक आ गया है, काफ मसल तक पूरा पूरा परमात्मा के सफेद प्रकाश से पूरा भर चुका है और सारी नकारात्मक ऊर्जा धरती माँ खींच ले रही है। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा हल्का और सुकून महसूस कर रहे हैं। धीरे 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 परमात्मा का ये प्रकाश हमारे एंकल तक आ गया है और एंकल से धीरे धीरे हमारे पूरे पैरों तक फैल गया है, पंजों तक, हमारे तलवों तक, सिर से लेकर नीचे पैरों तक, पैर के पंजों तक हम पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश में नहा रहे हैं। सफ़ेद दूधिया प्रकाश, चमचमाता हुआ प्रकाश और सारी नकारात्मक ऊर्जा गर्भनाल नीचे की ओर ले जा रही है धरती माँ के अंदर। जैसे जैसे सारी नकारात्मक ऊर्जा धरती माँ ने खींच ली है, हम प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को जो आपने खींचा है उसे परमात्मा की रोशनी में रूपांतरित कर दीजिए, जिससे कि ये और कोई नुकसान ना करे। हे परमात्मा, हे धरती माँ, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा इसे परमात्मा के दिव्य प्रकाश में रूपांतरित कर दीजिए और देखिए वो सारी कीचड़, वो सारी गंदगी, वो सारा काला धुआं सुनहरे रंग में प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा की ऊर्जा इतनी दिव्य और इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी रोशनी में रूपांतरित कर सकती है। सारी नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव गोल्डन लाइट में ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हम प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। और जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही वो सारी सुनहरी ऊर्जा जो परमात्मा के प्रकाश से भरी है, धीरे 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 उसी गर्भनाल के माध्यम से ऊपर नाभि की ओर आ रही है और नाभि की ओर आकर एकदम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे 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 ये सुनहरी रोशनी पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक हम इस दिव्य सुनहरी रोशनी में नहाने लगे हैं। एक तरफ भीतर परमात्मा की सफेद दिव्य दूधिया रंग की रोशनी और एक तरफ सुनहरी रंग की रोशनी। हमारा पूरा शरीर दो भागों में है, हमारा सीधा हाथ, सीधे हाथ का भाग पूरी तरह से सुनहरी रोशनी में नहा गया है और हमारा उल्टा शरीर यानी कि शरीर का लेफ्ट पार्ट पूरी तरह से सफ़ेद रोशनी में नहा गया है। हमारा पूरा शरीर संतुलित अवस्था में है। हमारे शरीर में ये दोनों ऊर्जाएं, धरती की ऊर्जा और ब्रह्मांड की परमात्मा की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलन की स्थिति में आ गई है। हम पूरी तरह से संतुलित हैं, हम पूरी तरह से आनंदित हैं, हम पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इसे महसूस कीजिए, इस भाव में महसूस कीजिए, इस भाव को पूरी तरह अपने भीतर महसूस कीजिए, इस असीम शांति को, परमात्मा की अनुकंपा को, धरती माँ की अनुकंपा को,
मदर अर्थ एंड फादर स्काई। हम इनका धन्यवाद देंगे, हम कृतज्ञता के भाव में भरे रहेंगे। हे परमात्मा, हे धरती माँ, आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, जैसे आपने मेरा साथ दिया है सारी नकारात्मक ऊर्जा से, सारे नकारात्मक बंधनों से मुझे मुक्त होने के लिए, ठीक वैसे ही मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करते हूँ। सभी का कल्याण हो, इस कृतज्ञता के भाव को महसूस करेंगे और फिर मैं 10 से लेकर 0 तक काउंट करूंगी और अपनी वर्तमान चेतना में हम वापस लौटेंगे। 10, 9, 8 अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। 7, 6, 5 अपने हाथों की उंगलियों में मूवमेंट करेंगे। 4, 3, 2 अपने कंधों को हल्का हल्का मूव करेंगे। 1, 0 धीरे 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 अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे 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 अपनी आंखों को खोलेंगे। कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव के साथ मैं दीप्ति आप सभी के कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगलमय हो। प्रणाम, धन्यवाद।